हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम के बारे में। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है और उसका ओवरहॉलिंग ऑफ द मास्टर सिलेंडर। आफ्टर ओवरहॉलिंग कैसे करते हैं, इसका स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है। आफ्टर रिमूविंग द मास्टर सिलेंडर, यानी मास्टर सिलेंडर को हम निकाल लिए हैं, उसके बाद सिलेंडर ब्रेक सिस्टम इट शुड बी थॉरली क्लीन। जो ब्रेक सिस्टम होता है उसको हम क्या करते हैं, पूरी तरह से थॉरली अच्छी तरह से उसको क्लीन करते हैं, साफ करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्किट प्लायर। रिमूव द लॉकिंग रिंग, हम जो है एक क्लास होता है जो कि सर्किट प्लायर को जो क्लिप टाइप कराता है उसको हम क्या करेंगे कि क्लास की सहायता से उसको रिमूव किए, ठीक है, लॉकिंग नट को तोड़ दें। प्रोवाइड फॉर द लॉकिंग द मास्टर सिलेंडर पिस्टन्स। फिर ये था हमारा सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आते हैं, रिमूव द रिटेनिंग थ्रेड्स। हम रिटेनिंग थ्रेड्स को रिमूव किए मास्टर सिलेंडर पिस्टन अलॉन्ग विद द पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग। जो पिस्टन को रिटर्न कराता है, पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, और फिर प्राइमरी कैप हो गया, सेकेंडरी कैप हो गया, और बल्ब असेंबली। हम किस किस चीज़ को रिमूव किए, निकाले रिटर्निंग थ्रेड को निकालें, मास्टर सिलेंडर को निकालें, पिस्टन अलॉन्ग विथ जो कि पिस्टन के साथ लगा रहता है, पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग, पिस्टन रिटर्न स्प्रिंग को, फिर प्राइमरी कैप को, फिर सेकेंडरी कैप को, और बल्ब असेंबली को, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट में हम देखते हैं, आफ्टर रिमूविंग द ऑल कंपोनेंट्स, सारे कंपोनेंट को निकाल देने के बाद क्लीन प्रॉपरली इन हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। हम क्या करेंगे, जो हाइड्रोलिक फ्लूइड रहता है उसमें हम इसको सारे को साफ करेंगे, क्लीन करेंगे, उसी हाइड्रोलिक फ्लूइड से ही साफ करना है हमें। एंड इंस्पेक्ट फॉर देयर सर्विस एबिलिटी, और उसकी सर्विस एबिलिटी को चेक करेंगे कि सर्विस के लायक है कि नहीं है, आखिरकार काम कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। फिर फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, वायर असेंबली ऑल द पार्ट्स। हम जो है असेंबली करने के बाद वापस जोड़ने के लिए ऑल द पार्ट्स इंश्योर दैट दे आर स्मर्ट विद द फ्रेश ब्रेक फ्लूइड्स। अब हम क्या करेंगे, स्मर्ट्स में का मतलब होता है लिफ्ट, यानी हम उसमें लपेट देना, एक तरह से लिफ्ट करने का मतलब हुआ लपेट देना, स्मर्ट विद द फ्रेश ब्रेक फ्लूइड। जो ब्रेक फ्लूइड रहता है उसमें हम पूरा उसको दोबारा लपेट देंगे। फिर रिप्लेस द रिटेनिंग थ्रेड्स, लास्ट पॉइंट आ जाएगा हमारा। हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देते हैं रिटेनिंग थ्रेड को एंड लॉकिंग रिंग्स को एंड डस्ट कवर को। इतनी चीज़ें करते हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं, नया लगाएंगे उसकी जगह पर। रिप्लेस द रिटेनिंग थ्रेड्स एंड लॉकिंग नट्स, क्योंकि लॉकिंग रिंग्स क्योंकि ख़राब हो जाता है, जाहिर सी बात है, तो हम उसको रिप्लेस करेंगे, और डस्ट कवर को भी।